हेलो व्हाट्सअप गाइस माय नेम इज विनोद मैं थापा एंड वेलकम टू डेज जी गाइस तो आज है हमारा डे एंड आई होप आप लोग बहुत ही ज्यादा ऑसम होंगे ऑल और गाइस तो आप देख सकते हो तो आज हमारा जो क्वेश्चन है वो होने जा रहा है, ठीक है? तो वी नीड टू राइट अ फंक्शन कॉल नंबर रेंज दैट जनरेट एन एरे कंटेनिंग एक्जिक्यूटिव नंबर फ्रॉम ए टू बी एंड देन बी इज इंक्लूसिव जिसमें से ए जो है ना ये एक इंटीजर है रिप्रेजेंटिंग द स्टार्टिंग नंबर ऑफ द रेंज एंड बी इज अगेन एंड इट इज ए रिप्रेजेंटिंग दंबर ऑफ़ द रेंज ए आर आर ये तो एक ऑप्शनल पैरामीटर है जो आप चाहो तो दे सकते हो एल्स आप नहीं दे सकते आउटपुट में एंड एर ए कंटेनिंग द कंजिक्यूटिव नंबर फ्रॉम ए टू बी इंक्लूजिव कॉन्स्टेंट आप देख सकते हो सो so हो क्या रहा है देखो तो थोड़ा सा जूम कर देता हूँ एक्चुअल में क्या हो रहा है यहाँ पे लाइक ये एक फंक्शन आपको लिखना है जहां पर ए इज योअर जीरो एंड देन बी इज यूर फाइव तो आपको जीरो से लेके फाइव के बीच में जितने भी नंबर्स uh, आते हैं वो आपको लिखने होंगे इन द फॉर्म ऑफ एरे लाइक एरे में आपको एज एन एलिमेंट पास लिखना होगा या बेसिकली आउटपुट में दिखाना होगा सो इट्स लाइक जीरो वन टू थ्री एंड देन फोर एंड देन फाइव अगर थ्री से कोई सेवन तक दे तो थ्री इज योर स्टार्टिंग नंबर सेवन इज योर एंडिंग नंबर एंड इंक्लूसिव मतलब ये कि सेवन को भी हमें ऐड करना है सो इट्स लाइक थ्री फोर फाइव सिक्स एंड देन सेवन तो तीन और सात के बीच में जो भी नंबर आता है वो हमें फाइंड आउट करना है एंड वेन इट कम्स टूर नेगेटिव इंटीजर्स तो माइनस टू की बात क्या आना चाहिए माइनस वन आना चाहिए एंड देन जीरो एंड देन वन एंड देन जो लास्ट का बी है इंक्लूसिव दैट इज योर टू तो गाइस दिस इज ऑल्सम अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू पॉज द वीडियो राइट नाउ एंड ट्राई इट योर सेल्फ सो आई होप कि गाइस आपने एटलीस्ट ट्राई किया होगा एंड बिलीव मी ये ईजी है यू नो लाइक ये सच में ईजी है अगर आप सोचोगे तो देखिए मैं यहाँ पे चलता हूँ सो लेट्स क्रिएट वन फंक्शन है ना फंक्शन का नाम आप कुछ भी लिख दीजिए सो लेट्स को ओ माई गॉड कॉन्स्ट वी हैव अ नंबर रेंज ठीक है मैं यहां पे चलता हूं राइट right, आप लोगों के लिए थोड़ा सा जूम कर देता हूं मैं ये चलो ठीक है अभी एक चीज आप मुझे बताओ लाइक ए और बी तो मुझे लेना पड़ेगा ठीक है जिसमें ए तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया एंड बी इज माई एंडिंग वाला अब मुझे क्या करना है जीरो से लेके फाइव के बीच में अगर मुझे नंबर दिखाना रहेगा तो जस्ट इमेजिन यू नो आपको इसी तरीके से सोचना है फिलहाल अभी आपको ये एरे मत देखो बस आप इतना सोचो कि जीरो से लेके फाइव जो ये मेरा नंबर है अगर मुझे जीरो वन टू थ्री फोर एंड देन फाइव अगर मुझे दिखाना रहता तो मैं तब क्या करता आपको ऐसे सोचना होगा लॉजिक बिल्डिंग के लिए तब हमारे पास ऑप्शन है लाइक ऑब्वियसली मुझे लूप चलाना है इधर वी कैन गो विथ वाई लूप और अ डू वाई लूप और अ फॉर लूप इवन अगर एरे में तो वी नाउ वी हैव अ फॉर ऑफ लूप एंड देन फॉर इन लूप तो अब हम क्या कर सकते हैं सबसे सिंपलेस्ट तो वाइल लूप है, है नो लाइक हेयर वी नीड टू पास वन कंडीशन एंड देन आपका जो भी होगा अब कंडीशन मेरा ये है कि मेरा ये जो स्टार्टिंग नंबर है ये कभी भी मेरे एंडिंग नंबर से बड़ा नहीं होना चाहिए राइट ये एक मेरा ऑब्वियसली मेरा कंडीशन ये है अब इसको बेस केस भी कह लो रिकर्सन की बात आएगी आती है तो जो कि मैं कल की वीडियो में बताऊंगा अभी ये जीरो बी ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द बी अब मैं ऐसे जीरो और फाइव नहीं लिख सकते क्योंकि कल के दिन अगर मेरे को कोई ये सेकेंड वाला फंक्शन रन करना रहा तो मुझे यहाँ पे मैनुअली थ्री एंड देन सेवन टाइप करना पड़ेगा ये वाले के लिए मुझे माइनस टू एंड देन टू करना पड़ेगा बट हमने ऑलरेडी एज एन पैरा एज ए पैरामीटर तो उसको मैं ले चुका हूँ ना सो ए एंड देन बी ये तो आपको पता चल गया राइट ऑल आई ठीक है मैं यहाँ पे चलता हूँ मुझे क्या करना है नीड टू प्रिंट ये जो भी ए है एंड देन मुझे क्या करना होगा ये कंडीशन को तब तक चलाना है आई I मीन mean, अगर मैं कुछ भी पास नहीं करूंगा ये लाइक इन्फिनाइट लूप चला जाएगा राइट right? मुझे कंडीशन देना जरूरी है जिसके चलते एक पॉइंट में ये हमारा कंडीशन फॉल्स होगा एंड हम इसके बाहर आ जाएंगे सो so, मुझे क्या करना है एक एक नंबर ऐड करना है राइट right? क्योंकि जीरो के बाद वन चाहिए देन मुझे टू चाहिए देन थ्री चाहिए सो इट्स ऑब्वियसली कि मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट कर रहा हूँ या यू कैन गो विथ लाइक ए प्लस वन कुछ ऐसा कर सकते हो या तो आप इंक्रीमेंट कर दो डायरेक्ट इस तरीके से दिस इज इट सो द मोमेंट सिर्फ आप इतना लिखते हो आपको एटलीस्ट ये जो भी स्टार्टिंग पॉइंट है एंड देन जो एंडिंग पॉइंट है उसके बीच का आपको नंबर मिलेगा हंड्रेड एंड टेन परसेंट क्योंकि मैंने इंक्रीमेंट कर दी कंडीशन लगा दी और वाइल्ड लुप तो मैं चला ही रहा हूं तो अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ एक सेकंड इसको हटाता हूँ तब आप बहुत क्लियरली देख सकते हो फॉर फर्स्ट वन आई एम गेटिंग लाइक जीरो वन टू थ्री फोर एंड देन फाइव ऑब्वियसली मुझे यही चाहिए था राइट तो मेरा काम तो हो गया थर्ड वाले का भी मेरा काम हो गया एंड देन जो मेरा लास्ट वाला था आपको लग रहा होगा माइनस टू के बाद माइनस वन कैसे आता है तो मुझे वो आ भी गया इट जस्ट कि मुझे अब ये जो भी डेटा मुझे मिल रहा है ना इनको मुझे एरे में स्टोर करना है राइट अब अब आपके माइंड में अब ये सोचना है चलो ठीक है लूप तो मैंने चला दी वैल्यू भी मुझे मिल रही है बराबर बस मुझे इसको एरे के अंदर स्टोर करना है अब हमने ऑलरेडी मेरे वर्ल्ड बेस्ट जास्किप्ट कोर्स में पार्ट वन पार्ट टू आप देख सकते हो इसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया था जब आप एरे के साथ खेलते हो अगर आपको कुछ भी चीज़ ऐड करना हो तो वी हैव अ पूज और अ अफ्ट या ऑन आई गेस तो इसमें हमारे पास ऑप्शन है राइट तो अब हम क्या करेंगे लेट्स गो वन मोर एरे यू नो सो बिलीव मी गाइस अब तो बहुत ईजी हो गया ना लेट्स क्रिएट वन एरे सबसे पहले ऑब्वियसली एरे के अंदर वैल्यू स्टोर करना है तो मुझे एरे लगेगा अब एरे में मैं कैसे स्टोर कर सकता हूं मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूं मेरे वर्ल्ड बेड जावास्क्रिप्ट कोर्स में मैंने बताया था एरे में स्टोर करना हो तो वी नीड टू हैव लाइक कोई तो मेथड होगा राइट इट बिल्ट चाहे वो आपका पूस हो या पॉप हो अब आपको ये सोचना है अरे पॉप से तो शायद हम डिलीट या रिमूव करते हैं ना कि ऐड ऑबियसली नहीं करते उसके लिए हम पू यूज करते और दूसरा था शिफ्ट या तो अनशिफ्ट राइट right? और भी बहुत सारे तरीके लेकिन ये जो पूछ वाला ने कहने के सिंपलेस्ट तरीका होता था ए आर आर डॉट एकदम एंड में आपका डेटा को ऐड कर देता है मैं ए को मैंने ऐड कर दी तो पहले मेरा ऐड होगा व्हाट वन देन आई आई मीन सबसे पहले तो जीरो आएगा जो भी ए है फिर इंक्रीमेंट होके वन हो जाएगा फिर टू फिर थ्री तो जस्ट मैंने इतना कर दिया कंट्रोल ऐस सेव करता हूँ यहाँ पे चलता हूँ सो ऑल राइट ऑल राइट एक सेकंड कंट्रोल ओ माई गॉड वन मोर थिंग अब हम यहाँ पे कंस्रोल डॉट लॉक कर रहे हैं ठीक है जब भी आप कोई फंक्शन कॉल करते हो एंड देन जब आप इस तरीके से डिफाइन करते हो तो देखो ना मुझे आउटपुट में कुछ डेटा नहीं आ रहा जो आ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कंस्रोल डॉट लॉक अब अगर इसको भी मैं हटा दूंगा तो मुझे कुछ भी डेटा नहीं आने वाला है इंस्टेट आई एम गेटिंग ओनली अनडिफाइंड अनडिफाइंड एंड देन अनडिफाइंड तो उसके पीछे का रीजन है कि फंक्शन आप जब भी कॉल करते हो यू नीड टू रिटर्न समथिंग एंड हमारे केस में हमें वो एरे को रिटर्न करना है क्यों जो कि पहले एम था बट अब मैंने उसको फिल कर दी है एंड मैं अब उसको रिटर्न कर रहा हूँ सो थ्री टू वन एंड बोंग गाइस सी ये देखो मेरा काम हो गया सो so, कितनी ईजिली हमने ये सिंपल क्वेश्चन को टैकल की जहाँ पे हमने स्टेप बाय स्टेप गए भाई पहले चलो लुप चला के नंबर निकाल लेते हैं फिर चलो यार हम इसमें पूछ करके देख लेते हैं यू नो एंड देन लास्ट में हमने रिटर्न की तो अब ये वाला जो पार्ट है आप इसको क्रिएट ना करके आप खुद से भी यू you नो know? आप एक काम कर सकते थे एंड दैट इज ये जो एरे वाला पार्ट है आप डायरेक्टली टॉप पे इस तरीके से एज एन बिकॉज वी कैन डू दिस राइट हम एक्स्ट्रा अपना खुद का पैरामीटर ऐड कर सकते हैं डिफॉल्ट पैरामीटर जो भी है तो मैंने ये ऐड कर दी अगर मैं इस तरीके से भी करता हूँ एंड देन इसको रन करता हूँ तो भी आई एम गेटिंग द सेम आउटपुट यू नो एंड ये मैंने इसलिए किया क्योंकि कल का वीडियो हम इस सेम प्रॉब्लम को टैकल करेंगे बट यूजिंग रिकर्सन राइट एंड मैंने आपको बताया रिकर्सन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इसका सिंपल मतलब है वेन अ फंक्शन कॉल इट सेल्फ

यू you नो know, जो आप आई गेस इंटरव्यू देने गए थे तब आपसे पूछा गया हो तो प्लीज लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन एंड आपको कैसे वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज लाइक कीजिएगा या तो पसंद है तो डिसलाइक कीजिएगा दोस्तों के साथ भर भर के शेयर कर दीजिएगा नेक्स्ट टारगेट इज वन मिलियन सब्सक्राइबर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा मिलता है मैं आप आपको नेक्स्ट वीडियो में टिल दूंगा थैंक यू सो मच टेक केयर